कोलंबिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भूस्खलन की चपेट में आने से 33 लोगों की मौत हो गई। अब तक 33 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। सरकार का कहना है कि 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोलंबिया में लगातार भारी बारिश होने के बाद कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं होने लगी। ताजा घटना उत्तर पश्चिम कोलंबिया की है, जहां पर भूस्खलन ने कई घर तबाह कर दिए। साथ ही इस भूस्खलन की चपेट में एक बस भी आ गई थी। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त चल रहे हैं। 33 लोगों की जान चली गई है, 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, और जो 33 लोग जिनकी जान गई है उनमें 3 बच्चे भी शामिल है। और आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं, जहां भागलपुर में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक मामला हुआ है। यहां पर शकील नाम के एक शख्स ने बीच बाजार में महिला पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने महिला के हाथ पैर और कान काट डाले। यहां तक कि क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। महिला की आंखें भी फोड़ दी गई, जिसके बाद महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। बिहार के भागलपुर में बीच बाजार में एक महिला की विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपी ने महिला के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। शकील नाम के आरोपी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला के हाथ पैर कान तक काट डाले। भागलपुर के इस विभत्स हत्याकांड को पुलिस पैसे के लेन देन की वजह से होना बता रही है। इसमें अभी पूछताछ कर रहे हैं, लड़की की शादी को लेकर पैसे उधार लिए गए थे और इसमें कुछ लाख में रुपए थे, और कितने लौटाने थे इस पे हम लोग ये पूछताछ कर रहे हैं। आसपास रहने वाले थे, घनिष्ठ संबंध वाली जो बात आ रही थी, पहले से काफ़ी जानते थे एक दूसरे को, और इसी क्रम में घनिष्ठ संबंध था, इसलिए पैसे वैसे भी उसने मदद किया था बेटी की शादी में। वारदात के बाद महिला खून से लथपथ थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन जब तक लोग उसकी मदद के लिए पहुंचते तब तक महिला बेहोश हो चुकी थी। लेकिन महिला की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भेज दिया, जहां महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्य आरोपी शकील मियां और उसके सहयोगी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भागलपुर से अजय कुमार के साथ जी मीडिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।